हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू वॉइस क्लासेस। मैं हूं सुरभि और हम आ चुके हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस माइक्रो इकोनॉमिक्स के पार्ट टू पर, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं डिमांड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सीवीटी के लिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए एंड लाइक करिए अगर आपको वीडियोज अच्छी लग रही है। सो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। आइडेंटिफाई द रीजन बिहाइंड राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व ऑफ अ नॉर्मल गुड फ्रॉम अमंगस्ट द फॉलोइंग अल्टरनेटिव। सो सबसे पहले यहाँ देखो, राइटवर्ड शिफ्ट, ठीक है, शिफ्ट बोला है। एंड डिमांड कर्व ऑफ अ नॉर्मल गुड, नॉर्मल गुड वो होता है जैसे जब आपकी इनकम बढ़ती है ना तो डिमांड भी बढ़ती है। नॉर्मली आपकी इनकम बढ़ेगी और कोई नॉर्मल गुड होगा तो उसके लिए आप डिमांड ज्यादा करोगे, ठीक है, और तब आपका क्या होगा, राइटवर्ड शिफ्ट होगा। जैसे ये आपका सपोजिटली कोई कुकीज आपको पसंद है, ठीक है, सो ये क्वांटिटी हो गई उसकी, ये प्राइस हो गया, ये डिमांड कर्व है। नॉर्मल गुड का डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। अब इनकम बढ़ने से शिफ्ट हो जाएगा, प्राइस को कोई चेंज नहीं आया फिर भी डिमांड ज्यादा हो गई है, तो डिमांड न्यू डिमांड हो गई है, ये डीडी थी, ये डीडी डैश हो गई है। तो अब यहाँ पर आपका जो डिमांड है उसमें राइटवर्ड शिफ्ट आ गया, क्यों, क्योंकि आपकी इनकम बढ़ गई है, ठीक है। सो इसमें से कौन सा रीजन हो सकता है, ये देख लो, रीजन बिहाइंड राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व ऑफ नॉर्मल गुड, फॉल इन प्राइस ऑफ अ सब्स्टिट्यूट गुड। मैं आपको वैसे बता रही थी कि नॉर्मल गुड क्या है, बट और देख लेते हैं। अगर प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड फॉल होगा, ठीक है, तो उस गुड की डिमांड बढ़ेगी, ना कि आपके गुड की, आपके गुड की डिमांड कम हो जाएगी, तो ये रीजन तो नहीं है। फॉल इन ओन प्राइस होने से डिमांड चेंज नहीं होती, क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होती है, शिफ्ट नहीं आता, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व होता है, तो ये भी नहीं है। फॉल इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड, कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस अगर फॉल हो जाएगा तो आपकी डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी। कॉम्प्लीमेंट्री गुड हो गया जैसे शुगर एंड टी, या फिर यू नो पेंसिल एंड नोटबुक। तो अगर ये बेसिकली वो कुछ जो साथ यूज होते हैं, सॉक्स एंड शूज, तो अगर एक की प्राइस कम हो रही है, उसकी डिमांड बढ़ रही है, तो उसके साथ जो कॉम्प्लीमेंट्री होता है उसकी डिमांड भी बढ़ेगी। सो दिस कैन बी द रीजन। फॉल इन इनकम ऑफ अ कंज्यूमर कंज्यूमिंग नॉर्मल गुड, इनकम फॉल हो जाती तो डिमांड कम होती, डिमांड बढ़ती नहीं और राइटवर्ड शिफ्ट नहीं आता। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, जिसकी वजह से राइटवर्ड शिफ्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डिक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी विल रिजल्ट इन। अब पॉपुलेशन कम हो जाती है, ठीक है, एक सिटी की, सपोजिटली वो सिटी में मैंगोज हैं, उनकी डिमांड बहुत है, ठीक है, तो मैंगोज हैं सीजन में, छोटी सी सिटी है, मैंगोज बहुत ग्रो होते हैं, क्वांटिटी है, ये प्राइस है, ये मैंगो का डिमांड कर्व है आपका, ठीक है, मैंगो की डिमांड है। अब पॉपुलेशन अगर कम हो गई, सडनली डिक्रीज हो गया, बहुत सारे लोग चले गए, तो वो मैंगो की डिमांड करना तो कम कर देंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा डिमांड कर्व में। लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा तो उससे क्या होगा, अच्छा देख लो यहाँ पे लिखा ही है लेफ्टवर्ड शिफ्ट। अगर अपना खुद का प्राइस चेंज हुआ होता, ये प्राइस है मैंगो का बड़ा या कम होता, तो क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होती है, तो मूवमेंट होती है अलोंग द डिमांड कर्व, ना कि शिफ्ट होता। तो करेक्ट आंसर इज लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। ऑलराइट, देन लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एन इंक्रीज इन अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है, जैसे सपोजिटली ये डिमांड कर्व है आपका कोक का, ठीक है, कोक का डिमांड कर्व है, ये क्वांटिटी है, ये प्राइस है, ये डिमांड कर्व है। अब क्या हुआ आपका, पहले सिर्फ अगर मार्केट में कोक मिल रही है, ठीक है, आप कहीं गए, जैसे बहुत जगह होती है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेल यू डोमिनोज होता है, आप डोमिनोज कभी जाओ ना, वहां पे वो सिर्फ आपको पेप्सी देते हैं, ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पेप्सी ले लो, अगर पेप्सी की डिमांड कर्व है, अगर वो आपको सिर्फ पेप्सी देते हैं तो आप मजबूर हो, डोमिनोज जा रहे हो, तो उन्होंने क्या कर रखा है, टाई अप ऐसा कर रखा है कि पिज्जा लोगे तो पिज्जा के साथ मोस्टली लोगों का कुछ सॉफ्ट ड्रिंक लेने का मन करता है, कुछ एरिएटेड ड्रिंक लेने का मन करता है, लेकिन उन्होंने वहां पे सिर्फ पेप्सी के साथ कोलैबोरेट किया, तो लोगों को पेप्सी ही लेनी पड़ती है। लेकिन अगर वहीं पे डोमिनोज धीरे धीरे पेप्सी के साथ कोक, थम्स अप, मिरिंडा, स्प्राइट, ये सब भी रखना शुरू कर दे, तो क्या होगा, अवेलेबिलिटी, ये सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, इनकी अवेलेबिलिटी बढ़ गई, तो पेप्सी की डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि इफ यू आस्क मी पर्सनली आई डोंट लाइक पेप्सी, ठीक है, आई प्रेफर थम्स अप और कोक ओवर पेप्सी, लेकिन क्योंकि डोमिनोज जाते हैं, पिज्जा खा रहे हैं, मजबूर हो गए, तो पेप्सी लेनी पड़ी साथ में, क्योंकि वो सिर्फ पेप्सी दे रहे हैं, लेकिन अगर उसके सब्स्टिट्यूट्स बढ़ जाते हैं तो उसकी डिमांड जो है वो कम हो जाएगी, और कम होने की वजह से, क्योंकि अपना प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन अदर फैक्टर्स में चेंज आया, जब अपने खुद के प्राइस में चेंज आता है तो मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व होती है और क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होती है, लेकिन यहाँ पर डिमांड चेंज होगी एंड शिफ्ट आएगा, शिफ्ट भी कैसा आएगा, लेफ्टवर्ड, क्योंकि
कम हो जाएगी, मेरे जैसा इंसान पेप्सी की डिमांड कम कर देगा जैसे ही सब्स्टिट्यूट गुड्स बढ़ेगा। नेक्स्ट, इफ द गवर्नमेंट इम्पोजेस अ टैक्स ऑन अ गुड, व्हाट विल हैपन टू डिमांड ऑफ अ गुड? से दैट आई लव कंज्यूमिंग चॉकलेट्स, ठीक है, मुझे चॉकलेट खाना बहुत पसंद है, अब यहाँ आइसक्रीम खाना बहुत पसंद है, गर्मी आ गई, लेट्स टॉक ऑफ आइसक्रीम, ठीक है, ये क्वांटिटी हो गई, ये प्राइस हो गया, ये डिमांड कर्व हो गया और ये आइसक्रीम का डिमांड कर्व हो गया। गवर्नमेंट ने आइसक्रीम पर टैक्स लगा दिया, गवर्नमेंट आइसक्रीम बहुत महंगी हो गई क्योंकि टैक्स गवर्नमेंट को भी जाएगा, तो जो आइसक्रीम का प्रोड्यूसर है से मदर डेयरी है, मदर डेयरी की आप आइसक्रीम ले रहे हो जाके या क्रीम बेल की ले रहे हो, तो अब मदर डेयरी क्रीम बेल ने आइसक्रीम के प्राइसेस बढ़ा दिए, क्यों? क्योंकि अगर कोई आइसक्रीम 10 रुपए की मिल रही थी और पहले वो सारा उनकी पॉकेट में आ रहा था, अब गवर्नमेंट को 15 रुपीज, मतलब 5 रुपीज गवर्नमेंट को देना है, तो 5 रुपीज तो अपनी पॉकेट में नहीं लेंगे, तो उन्होंने प्राइस 15 कर दिया, 10 अभी भी अपनी पॉकेट में ले रहे हैं, 5 गवर्नमेंट को दे रहे हैं, पर आपके लिए प्राइस कितना हो गया? 10 से 15, आपके लिए आइसक्रीम महंगी हो गई। आपके लिए आइसक्रीम महंगी होने की वजह से जब टैक्स इम्पोज कर देगी गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट के टैक्स इम्पोज करने से क्या होगा? गवर्नमेंट के टैक्स इम्पोज करने से अब आपको ये देखना है कि प्राइस जो है वो बढ़ जाएगा, इस वजह से जो आपकी डिमांड है वो क्या होगी? कम हो जाएगी। सो इट विल डिक्रीज, ठीक है, इट विल डिक्रीज, और यू नो नॉर्मल गुड के केस में, लेकिन क्वेश्चन में यार नॉर्मल गुड नहीं दिया, ठीक है, अब क्वेश्चन में क्योंकि नॉर्मल गुड नहीं दिया तो कोई नेसेसिटी गुड भी हो सकता है, ठीक है, नेसेसिटी गुड यानी मेडिसिन, अगर मेडिसिन पर टैक्स लगा दे गवर्नमेंट तो भी डिमांड उसकी कम नहीं होगी, ठीक है। सो बेसिकली नॉर्मल केस में ये होता, अगर दिया होता नॉर्मल गुड है, लेकिन क्योंकि यहाँ कुछ भी नहीं दिया, सो द करेक्ट आंसर विल बी इट विल डिपेंड ऑन द गुड, गुड का टाइप नेसेसिटी है, कैसा है, लग्जरी है, उस पर डिपेंड करेगा, टैक्स इम्पोज होते ही उसकी डिमांड कम होगी या नहीं होगी, क्योंकि आप अभी भी देखोगे अगर गवर्नमेंट बोले सिगरेट पर टैक्स लगा दे, एल्कोहल पर टैक्स लगा दे, तो भी उनकी डिमांड कम नहीं होती, क्योंकि वो एडिक्शन वाले गुड्स हैं, जिनको लेने हैं लेने हैं, डिमांड कम नहीं होती, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ प्रोडक्ट्स एडवर्टाइजिंग कैंपेन इज सक्सेसफुल, व्हाट विल हैपन टू द डिमांड ऑफ अ गुड? प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग कैंपेन अगर सक्सेसफुल है, यानी एडवर्टाइज कर रहे थे, बहुत अच्छा चल गया प्रोडक्ट, जैसे सपोजिटली मेरा ऐप है, तो एक्विपोइस क्लासेस का ऐप है, अगर मैं उसकी एडवर्टाइजिंग करूं और वो सक्सेसफुल हो जाए, तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, उसके डाउनलोड्स बढ़ जाएंगे, तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन टू द डिमांड ऑफ गुड? इट विल डेफिनेटली इंक्रीज, ठीक है, इट विल, बट अगेन प्रोडक्ट ऑफ एड, या बिकॉज एडवर्टाइजिंग कैंपेन सक्सेसफुल है, तो इट विल नॉट डिपेंड ऑन द गुड, इट विल इंक्रीज, ठीक है, इट विल इंक्रीज। नेक्स्ट, इफ टू गुड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, देन राइज इन द प्राइस ऑफ वन रिजल्ट इन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एनी शूज एंड सॉक्स। एक का प्राइस महंगा हो गया, तो उसके साथ जो गुड कंज्यूम करते हो वो भी डिमांड आप कम कर दोगे, तो उससे क्या होगा? फॉल इन डिमांड ऑफ द अदर, ठीक है। सोच के देखो, आप चाय बिना चीनी के नहीं लेते, अगर चीनी का प्राइस बढ़ गया है तो धीरे धीरे आप कहोगे महंगा हो गया, एक चाय का कप पीना भी इतना महंगा पड़ रहा है, आप चाय की डिमांड भी कम कर दोगे क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, ठीक है, वो बात अलग है, पीपल आर एडिक्टेड एंड दे विल हैव वन कप ऑफ टी एनी हाउ, सो दैट्स अ डिफरेंट केस, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व अकर्स ड्यू टू चेंज इन, सो मूवमेंट कब होती है? ड्यू टू चेंज इन ओन प्राइस, जब अपना प्राइस चेंज होता है तो हम मूवमेंट कहते हैं, बाकी हर टाइम हम लोग शिफ्ट कहते हैं, जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ प्राइस है, यहाँ क्वांटिटी है, यहाँ डिमांड ऑफ आइसक्रीम है, टैक्स लगते ही, जैसे पहले आप इतनी आइसक्रीम, पहले प्राइस ये था तो आप आइसक्रीम इतनी कंज्यूम कर रहे थे, आप पॉइंट ई पे थे, प्राइस बढ़ गया, ठीक है, आपने क्या किया? डिमांड जो है वो कम कर दी, ठीक है, आपकी मूवमेंट हो गई अपवर्ड्स, यहाँ पे क्या हो गई? ई से पी पे हो गई अपवर्ड मूवमेंट। ऐसे ही अगर प्राइस कम हो जाता है तो डाउनवर्ड मूवमेंट होती है, लेकिन मूवमेंट होती है जब प्राइस चेंज होता है, एंड जब प्राइस चेंज नहीं होता आपका, जब बाकी फैक्टर्स में शिफ्ट आता है तो आपका शिफ्ट आता है, मतलब डिमांड चेंज होती है, ठीक है, तो मूवमेंट ऑफ अलोंग द डिमांड अपने खुद के प्राइस से चेंज होती है। Then let's see the next question. An increase in price of electricity will cause the demand for electric appliances. So tell me one thing, कि अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी महंगा है तो आपके जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज, आप सपोजिटली बहुत सारे ऐसे ही इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज यूज कर रहे हो जिसकी इतनी रिक्वायरमेंट भी नहीं है, आप क्या करोगे? आप उसका डिमांड कम कर दोगे क्योंकि वो महंगे पड़ रहे हैं आपको यूज करने, तो इस वजह से प्राइस इंक्रीज होते ही इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड फॉर इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज विल फॉल, ठीक है। मैंने ये सारे ही क्वेश्चन इसलिए लिए हैं ताकि मैं आपको हर फैक्टर से डिमांड के बारे में समझा पाऊँ, क्योंकि बाकी चीजें बुक्स में भी हैं। दिस इज वेरी क्रिटिकल, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड,
कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कब होती है, जब कम, अब इसी को हम डिक्रीज इन डिमांड कह देते हैं। अगर शिफ्ट आता, ये डिमांड कर्व है आपका, ये क्वांटिटी है, ये प्राइस है, ये डिमांड कर्व ऑफ आइसक्रीम ले लो, तो मैंने क्या बताया आपको, प्राइस पहले 5 रुपए था, आप 10 आइसक्रीम ले लेते थे, प्राइस अब 10 रुपए हुआ, आपने 5 आइसक्रीम कर दी, तो क्वांटिटी कम कर दी आपने, कॉन्ट्रैक्शन हो गई, डिमांड कम हो गई। डिमांड कम मतलब कॉन्ट्रैक्ट होना, डिमांड बढ़ना मतलब एक्सपैंड होना, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ना मतलब एक्सपैंड होना। तो कॉन्ट्रैक्शन में क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन में आपकी मूवमेंट हो रही है, मूवमेंट किधर हो रही है, फ्रॉम लोअर टू अपर पॉइंट ऑन द सेम डिमांड कर्व टू राइट ऑफ अनदर डिमांड, नो, फ्रॉम अपर पॉइंट टू लोअर पॉइंट, ये आपका अगर एफ है, ठीक है, ऊपर का पॉइंट, और ये E है, तो आपकी मूवमेंट E टू F हुई है, E लोअर है एंड F अपर पॉइंट है, तो आपकी लोअर टू अपर पॉइंट मूवमेंट हुई है, A इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। टू लेफ्ट ऑफ अनदर डिमांड कर्व, दैट इज शिफ्ट इन अ वे, दैट्स नॉट हैपनिंग। देन चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी ड्यू टू चेंज इन इट्स ओन प्राइस, अदर थिंग्स रिमेनिंग कॉन्स्टेंट, अपनी खुद की प्राइस, सो बेसिकली चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी, जैसे आइसक्रीम की क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हुई ड्यू टू चेंज इन इट्स ओन प्राइस, अदर थिंग्स रिमेनिंग कॉन्स्टेंट इज नोन एज नॉट क्रॉस प्राइस इफेक्ट, तब होता जब दूसरे गुट की डिमांड की, दूसरे गुट के प्राइसेस की वजह से चेंज हुआ होता, इनकम इफेक्ट जब इनकम की वजह से हुआ होता, सब्स्टिट्यूशन भी नहीं, दिस इज प्राइस इफेक्ट, ठीक है। So that's it. Thank you so much. I'll see you on Friday. This week we have not been uploading videos daily, but alternate days. And this is going to be, the system that every video you'll see will be happening Monday, Wednesday and Friday. So thank you so much for watching the video. And I really hope it is helpful. Yahan tak dekhiye, heart emoji chhod ke jao comment box mein. And all the very best with your preparation. Any doubts, anything, please message me and I'll be happily answering. Just that there was a weekend and certain queries I could not solve immediately or in a prompt response, but I am still giving you responses. So thank you so much for staying tuned, and I really hopeful that my disciplined and obedient students are working very hard. And this is a special shout out to Urvashi, Divyank, Kunal, Prisha, Akriti. These students have been working really hard, so all the very best, and all the very best to every one of you, each one of you. I'll be recognizing you and taking your name as well if you comment box, if you start commenting in the comment box, and keep engaging more. Thank you so much, everyone.